खुद को कल्कि और विष्णु भगवान का अवतार बताने वाले दिमागी डॉक्टर का कहना है कि उसने ही चीन में कोरोना फैलाया था और वे किसी भी मरणासन व्यक्ति को 5 साल तक जिंदा रख सकते हैं। डॉक्टर के दावों से स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है और उसके खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहा है। जादू टोने से इलाज करने वालों को तो आप जानते और पहचानते ही होंगे, लेकिन आज मुरादाबाद में एक ऐसे दिमागी डॉक्टर सामने आए हैं जो मीडिया के कैमरों के सामने खुद को कल्कि भगवान का अवतार बड़ी जोर शोर से बताने में लगे हैं। चलिए अब आपको इन डॉक्टर साहब का पूरा परिचय दे देते हैं। रुकिए, ये खुद ही अपना परिचय अपनी डिग्री के साथ बता रहे हैं। जी हाँ, इनका नाम डॉक्टर आदित्य शर्मा है और इन्होंने अपना क्लिनिक सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पीलीकोटी चौराहे पर हाल ही में शुरू किया है। अब इसे पब्लिक स्टंट कहें या डॉक्टर खुद किस मानसिक रोग से ग्रस्त हो गए ये तो ईश्वर ही बेहतर जानते हैं, लेकिन आज इन्होंने किसी के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने क्लिनिक पर ही अपने मन की भड़ास निकाल डाली। कुछ दावे तो इनके इतने हास्यप्रद थे जो सिर के ऊपर से ही उतर गए। इन्होंने स्वयं को भगवान विष्णु का अवतार बताया और फिर कोरोना पर बोलना शुरू कर दिया। कहने लगे उन्होंने ही चीन में कोरोना फैलाया है। इन डॉक्टर साहब के दावों की हवा सीएमओ मुरादाबाद एमसी गर्ग ने उस समय निकाल दी जब मीडिया कर्मियों ने इनके दावे सीएमओ के सामने पेश किए। सीएमओ का कहना है कि पहली बात यह है कि डॉक्टर आदित्य शर्मा का कोई रजिस्ट्रेशन ही उनके विभाग में नहीं है, और अगर ये कोरोना को लेकर कोई उल्टी सीधे दावे करते हैं तो उनके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। Myself आदित्य शर्मा एंड आई एम अ डॉक्टर, आई एम MBBS MD इन साइकेट्री एंड लिव्स इन दिल्ली, बट एट दिस टाइम प्रैक्टिसेस इन मुरादाबाद। पत्रकार वार्ता मैंने बुलाई है, वो उसका वजह विषय है मांसाहार का सेवन छोड़ देना, और भगवान विष्णु के अवतार के बारे में मैंने डिटेल से बताया है जो कि मैं खुद हूँ। भगवान राम 12 कला अवतार थे, भगवान श्री कृष्ण 16 कला अवतार थे, और मैं भगवान विष्णु का सेवक 64 कला अवतार हूँ। ये बिल्कुल फैक्ट है। आप अगर ये चाहते हैं कि मेरे फैक्ट देखने हैं तो मुझसे पर्सनली आके मिलें। धर्म के साथ नहीं जुड़ रहा है, मेरे लिए सारा मानव जाति एक धर्म है। कोई धर्म के साथ नहीं जुड़ूंगा मैं, ना मैं हिंदुओं का हूँ, ना मुसलमानों का हूँ, ना सिख का हूँ, ना ईसाई का हूँ, मैं उन सबका भी हूँ, मैं तो सबका हूँ। हाँ, मैं अपने आप को अवतार बता नहीं रहा हूँ, मैं अवतार हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे 5 साल की उम्र में ही मेरे गुरु जी ने बता दिया था। मेरे गुरु जी परशुराम जी के अवतार थे और उनका नाम सियाराम शास्त्री था। डॉक्टरी में क्यों नहीं जाएंगे अपने, उन्होंने बोला इसलिए जाएंगे क्योंकि हम आगे बढ़ना है। लेकिन जब भगवान और डॉक्टर एक जगह मिल जाएं तो वो दुनिया का पूरा सब कुछ बदल सकता है। केवल एक जय गुरुदेव ही ऐसे थे जो मेरे बारे में पूरा जानते थे। जय गुरुदेव ही केवल एक ऐसे थे जो मेरे बारे में सारी जानकारी थी उनके पास, मैं कहाँ हूँ, किसके सानिध्य में हूँ, ठीक है, केवल उन्हीं के पास थी जानकारी। इसी देखिए आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, क्या बोला मैं, इमरजेंसी टाइम में कोई मर्यादा नहीं, इमरजेंसी टाइम में कोई मर्यादा नहीं होती है। हाँ नहीं है, क्योंकि वो हम बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहा है, लेकिन विदाउट डॉक्टर आप अगर प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है और एक्सपायर हो चुका है प्रिस्क्रिप्शन और आप मेडिकल पर जाके कहते हो कि दवा दे दो, तो वो प्रिस्क्रिप्शन बेकार है, क्योंकि आपको प्रिस्क्रिप्शन दोबारा लेना चाहिए। अगर उसने मीट लिखा है तो हो सकता है 15 दिन बाद आपको मना कर दे अंडा मत खाना। वाई आर यू नॉट गोइंग टू द डॉक्टर? बिल्कुल, जो जिनको अस्पताल में ये कह दिया गया हो कि घर ले जाओ सेवा कर लो ये नहीं बचेंगे, वो मरीज, लेकिन केवल 5 साल की जिंदगी दे पाऊंगा, इससे ऊपर नहीं। 2024 का चुनाव नहीं होगा, ये 100% है नहीं होगा। रीजन समय आने पर दूंगा, अभी नहीं। ये कोरोना खुद मेरा अपना क्रिएशन था,
लेकिन कोई भी ये प्रूव नहीं कर सकता कि इसको मैंने बनाया, क्योंकि सबसे पहला अटैक 22 नवंबर को मैंने चीन पे करा था, और चीन में जो तबाही हुई है वो शायद किसी और देश में नहीं हुई है। कम से कम 11 से 11.5 करोड़ लोग चीन में कोरोना से मरे हैं, और अभी भी वही स्थिति है। नहीं दवाई की बात नहीं मेरी, बस सब दुनिया मैं क्यों बनाऊँ दवाई? दवाई तो आज भी नहीं बन पाएगी इसकी, कहाँ बनी है? इम्यूनिटी बूस्टर है केवल, इम्यूनिटी बूस्टर। आप घर पे बैठ के आराम से फर्स्ट क्लास से फल खाओ, फर्स्ट क्लास सेहतमंद रह के च्यवनप्राश खाओ, आपका कुछ नहीं होगा। मुझे एक बार बताओ, जितने भी यहाँ पत्रकार बंधु आए हैं, क्या इनके किसी घर में आपको कोरोना हुआ? जोर से बोलो, नहीं हुआ ना? आपके किसी ब्लड रिलेशन में हुआ? हुआ। किसको? मांसाहार खाते थे या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, पंडित। कितनी उम्र थी? 46 साल। बच गए या नहीं, चले गए? ठीक, जाना था। ऐसा क्यों? टाइम तो निश्चित है ना भाई। ये तो आपने पहले मालूम कर लिया ना। मैंने क्या मालूम कर लिया? तो वो तो करना ही पड़ेगा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रैक्टिकल, मैंने बोला ना मैं जादूगर नहीं हूँ। जादूगर, जादूगर राम जी भी नहीं थे, कृष्ण भगवान भी नहीं थे, मैं भी केवल अवतार हूँ, जादूगर नहीं। मैं आपको अवतार मानने के लिए कह कब रहा हूँ, आप मानो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस पोजिशन पे इस समय दुनिया है, अगर अब भी नहीं सुधरते हैं तो इससे भी बदतर हालात कर दूंगा। बिल्कुल, ये नहीं बता सकता मैं, ये रहस्य है, ये अगर मैं आपको बता दूंगा तो तुम मेरे पीछे पड़ जाओगे। अच्छा, जो जिन लोगों को आप 5 साल की जिंदगी देंगे, क्या वो आपका आशीर्वाद होगा या मेडिकल टेक्नोलॉजी? नो, मेडिकल टेक्नोलॉजी से होगा, आशीर्वाद से नहीं। इसलिए याद रखें, जो भी कुछ होगा वो मेडिकल साइंस की वजह से होगा। क्या हम यहाँ पर क्या मेडिकल की अवतार से बात कर रहे हैं या डॉक्टर से बात कर रहे हैं? आप दोनों से बात कर रहे हैं, डॉक्टर आदित्य शर्मा भी और विष्णु भगवान का अवतार, 10वां अवतार, ठीक है, 64 कला अवतार से भी। अच्छा, जो संबल में वहाँ पर बहुत सारे लोगों का इंतजार है, कल्कि धाम बनाया था प्रमोद कृष्णन ने, प्रमोद कृष्णन को मैंने फ़ोन किया और मैं बोला कि मुझे पता है कल्कि जी कहाँ पर हैं, तो वो बोले फ़ोन पे ही कि आप मुझे बता दो, मैं भी बात कर लूँगा। फिर मैं बोला जी नहीं जी, मिलके बताऊँगा। तो पता क्या बोला आचार्य प्रमोद कृष्णन, जिसने कल्कि धाम बना रखा है, वो बोला कि क्या नाम है, ऐसा है, आप मुझे बता दो, मैं मिल आऊँगा। तो उसके बाद क्या हुआ, 15 दिन बाद ही अखबार में न्यूज आ गई थी, फर्जी बाबा करार कर दिया गया उसको। आई थी या नहीं? ये मेरी वजह से था, जूना अखाड़े से उसको फर्जी बाबा करार दिया गया है। तो फिर अब जो कल्कि धाम जो बना हुआ है, जो वो कल्कि धाम इसलिए बना हुआ है बहुत, जिससे पैसा इकट्ठा हो उनके नाम पे, वो वहां पे बिजनेस चला रहा है अपना। कल्कि अवतार तुम्हारे सामने बैठा है, आप बात करो। अच्छा, पूरी दुनिया से कोरोना मुक्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अगर आप सच्चे हैं सब, तो कोरोना मुक्त कर दूंगा। जो मेरी जानकारी में तथ्य लाए गए हैं कि कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार के दावे कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, तो उन दावों के बारे में जांच पड़ताल करके ही कुछ बताया जाना उचित होगा, और उसके द्वारा किए गए दावों का एकदम से हम उसको वो नहीं ले सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ है। मगर जो मोटे तौर पे मेरी समझ में आया है कि उसके दावों में कोई तथ्य नहीं है, और वो केवल गलत बातों का भ्रामक प्रचार कर रहा है और जनता को भ्रम में डाल रहा है। आप CMO हैं, वो भी डॉक्टर हैं, MBBS हैं, क्या एक लीगली क्या आपके उससे किया जा सकता है, आप लीगली क्या बनता है? देखिए, अभी जो नाम चिकित्सक का बताए, ऐसा चिकित्सक हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं है, और उसको आप जिस बिंदु से एंगल से कह रहे हैं उस एंगल से भी विचार किया जाएगा। जैसे कोरोना के एक मैसेज गलत फैला रहे हैं समाज में, कोरोना का दवाई वैक्सीनेशन चल रहा है, किसी भी किस्म का भ्रम फैलाएंगे तो महामारी एक्ट के अंतर्गत तथ्यों का संज्ञान लिया जाएगा।
सर एक आखिरी सवाल, वो साइकाइट्रिस्ट हैं, दिमागी डॉक्टर हैं, समाज के लिए खतरा बन सकते हैं अगर मरीज उनके पास आएंगे तो उनकी खुद की हालत इस तरह से बयान दे रहा है तो ठीक नहीं लगती? देखिए, हमारा समाज बहुत परिपक्व है और इन चीज़ों को वो अच्छी तरह डील कर लेता है।